दोस्तों डिजी लॉकर का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिससे कि आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, राशन कार्ड या मार्कशीट। लेकिन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब आप लोग जो है यहाँ पर सरकारी डॉक्यूमेंट कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है सरकार की तरफ से, अब आप लोग जो है ये सारे जितने भी गवर्नमेंट का सरकारी डॉक्यूमेंट है अब व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, एक नंबर लॉन्च किया है जिसके जरिए से आप कोई भी सरकारी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, तो इस नंबर को किसी भी नाम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जैसा कि हमने व्हाट्सएप डिजी लॉकर से सेव किया है। और सेव करने के बाद आपको व्हाट्सएप में आ जाना है, जिस नाम से आपने सेव किया है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं माई गोव हेल्प डेस्क के नाम से ये सर्विस शुरू किया गया है। इसके लिए आपको एक हाय या नमस्ते आपको मैसेज कर देना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम यहाँ पे मैसेज कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे ये सरकार के द्वारा पूरी तरीके से मान्य है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको आ रहा है, अगर आपको कोविड का डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको डिजी लॉकर से कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो डिजी लॉकर पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम डिजी लॉकर सर्विस पे हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, करने के बाद आपके सामने में देखिए एक इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू डिजी लॉकर सर्विस। अगर आपने कभी डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है कभी भी तो नो पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे आपका ओटीपी आएगा, और ओटीपी इंटर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा व्हाट्सएप में ही। तो हम पहले ही डिजी लॉकर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम यस पे क्लिक करेंगे। और यस पे क्लिक करने के बाद 12 डिजिट का आपका आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे चलिए आधार नंबर हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं, उसके बाद हम सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम आधार नंबर दे चुके हैं और यहाँ पे सेंड कर देते हैं। और सेंड करने के बाद जो आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी आएगा, वही ओटीपी यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे चलिए हम ओटीपी दे चुके हैं और सेंड यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पैन कार्ड आया है, 1 डाउनलोड योर डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए 1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड कर देंगे, सेंड हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पे पैन कार्ड जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैन वेरिफिकेशन हो चुका है, ये पीडीएफ भी आ चुका है, ये मेरा डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे पैन कार्ड का आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजी लॉकर का है और QR कोड भी है और डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन भी लगा हुआ। ये डॉक्यूमेंट कहीं पे भी आप डिजिटली तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी और डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है तो अदर डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने में देखिए मेन्यू ऑज आ जाएगा, तो आने के बाद अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आधार वाले ऑप्शन पे, तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड का यहाँ पे डिटेल आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ आपका आधार कार्ड का डिटेल आ चुका है। मैंने आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस मेरा नहीं है इसीलिए नहीं आ रहा, अगर आपका होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो राशन कार्ड भी मेरा नहीं है, तो अगर आपका होगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मार्कशीट भी अगर होगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो भी यहाँ पे आधार के साथ कनेक्ट होगा डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के साथ वो सारे आपका आ जाएगा। मेरा जितना भी डिजी लॉकर के साथ डॉक्यूमेंट कनेक्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। और मेन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोविड का कोई भी आप सर्विस डॉक्यूमेंट लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में वो भी आ जाएगा। सो इस तरह से जो है आप अपने व्हाट्सएप से ही डाउनलोड कर, तो इस तरह से व्हाट्सएप से कोई भी सरकारी दस्तावेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।